देपालपुर की प्रशासनिक टीम ने तेल से भरे एक लोडिंग वाहन को अपनी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि यह तेल का वाहन बेटमा के किसी व्यापारी का है जो देपालपुर से बिना परमिशन के लॉकडाउन के चलते भी तेल सप्लाई कर रहा था। इसी बीच जब प्रशासन की टीम उस क्षेत्र से गुजरी, उन्होंने तेल सप्लाई करने वाले वाहन को चेक किया और उनसे कागज़ चेक किए तो जिसमें परमिशन न मिलने पर तहसीलदार ने उस वाहन को देपालपुर थाने पहुँचा दिया है। देपालपुर में पिछले दिनों प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में रेस्टोरेंट संचालकों को छोड़ अन्य दुकानदारों को व्यापार करने के लिए कुछ छूट दी गई थी, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अपना निर्णय बदलते हुए पुनः देपालपुर नगर पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया है, जिसके चलते किसी भी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में देपालपुर में एक तेल से भरा लोडिंग वाहन बाजार में तेल सप्लाई कर रहा था। जैसे ही क्षेत्र से प्रशासन की टीम गुजरी तो उन्होंने गाड़ी को चेक कर उसे कागज़ चेक किए, जिसमें परमिशन न मिलने पर तहसीलदार द्वारा गाड़ी को देपालपुर थाने भेजा गया। वहीं सूत्रों की माने तो तेल से भरी गाड़ी बेटमा के किसी व्यापारी की है जो नगर में बिना परमिशन के ही माल सप्लाई कर रहा था। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। लॉकडाउन पालन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तहसील पुलिस और नगर पालिका के कर्मचारी जब राउंड पर थे तो एक गाड़ी में तेल सप्लाई करते हुए गाड़ी घूम रही थी और उसको बताया, जब हमने पूछा कि अनुमति के कागजात दिखाएं तो उसके पास कागजात नहीं पाए गए, तो उसको हमने थाने में भी खड़ा करवाया। सर हाँ हाँ बनाए गए हैं, बिल्कुल दो जगह कार्रवाई की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।